Hello everyone, welcome to my channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant, a career counselor, and I also train students for different types of examinations. आज का हमारा जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको आयरलैंड के अलग अलग वीजा प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा। जब भी स्टूडेंट्स वीजा एप्लीकेशन करते हैं तो दो तरह के प्रोसेसेस में उनकी वीजा कैटेगरी को डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नॉर्मल वीजा कैटेगरी, दूसरा होता है एआईपी वीजा कैटेगरी। एआईपी स्टैंड्स फॉर अप्रूवल इन प्रिंसिपल स्कीम। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर हम लोग नॉर्मल वीजा की बात करें तो ये इसकी एप्लीकेशन तभी की जाती है जब स्टूडेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बैचलर्स प्रोग्राम या लेट्स से प्लस टू का जो पेपर है उन्होंने क्लियर कर लिया है और उनके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके सारे डिग्रीज पीछे के जितने कोर्सेज हैं सब कंप्लीट हैं। वेरैज एआईपी वीजा की बात करें तो ये कैटेगरी स्टूडेंट तब यूज करते हैं जब उनके पास कोर्स स्टार्ट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है बट उनके पास उनके पिछले कोर्स की डिग्री और सारी मार्कशीट्स अवेलेबल नहीं है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल वीजा के बारे में बताऊंगा। अगर आप नॉर्मल वीजा कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रैवल डेट से एटलीस्ट 6 वीक्स पहले आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर दिया है। और जब आप इस पर्टिकुलर वे में वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 6000 यूरोस की फीस जो है वो इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट आपकी हो चुकी होनी चाहिए। वेरस अगर हम लोग एआईपी की बात करें तो एआईपी में ऐसा नहीं होता। एआईपी के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। जब आप यहाँ पे 6000 यूरोस की फीस पे कर रहे हो वो तब करते हैं जब आपकी ट्यूशन फीस 12000 यूरोस होती है। जब आप नॉर्मल स्कीम में वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके हाथ में आपका इंस्टीट्यूशन से अनकंडीशनल ऑफर भी होना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इन केस अगर आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 12000 यूरो से ज्यादा है तो उस केस में 6000 के बदले एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस आपने डिपॉजिट कर दी होनी चाहिए। हाँ, पहले मैंने आपको ये बोला था कि वी रिकमेंड कि 6 वीक्स पहले आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन नॉर्मल कैटेगरी में करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेट अगर आप करते हैं तो मैक्स टू मैक्स एटलीस्ट 3 वीक्स पहले से ज्यादा टाइम आपने लिया हो और उससे पहले आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन की हो, बिकॉज एटलीस्ट 3 वीक्स का जो टाइम रहता है क्योंकि VFS अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलिडेट करके एम्बेसी को भेजने में लगा देता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर लेट भी आप कर रहे हो तो ट्रैवल डेट से कम 3 वीक्स पहले तक आपकी वीजा एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। अब मैं आपको AIP वीजा जो कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल स्कीम होती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। जब आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास आपका अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए और जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। इस पर्टिकुलर स्कीम में जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हो देन मेक श्योर कि आपने एटलीस्ट 6000 यूरोस इस केस में भी अपनी ट्यूशन फीस से डिपॉजिट करा दिया हो एंड जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तब आपकी जो डेट है वो आपकी ट्रैवल डेट से कम 7 वीक्स पहले की हो, बिकॉज इसमें वीजा प्रोसेसिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एंड इट इज रिकमेंडेड कि जब आपकी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आए आप तुरंत जाके एम्बेसी में वो सबमिट कराएं, बिकॉज जब तक आप अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते हो तब तक आपकी फाइनल जो प्रोसेसिंग है वो नहीं होती है और आपको आयरलैंड का स्टडी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता है। बाकी कंट्रियों की तरह भी आयरलैंड में स्टडी वीजा की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आप 8 वीक्स पहले तक आपके कोर्स स्टार्ट होने से 8 हफ्ते पहले तक विच मीन्स 2 मंथ्स पहले तक अपनी वीजा एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को हमारे चैनल और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।